ये बच्चियां आज काफी खुश हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन बच्चियों को आज खुश होने का मौका मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नेत्रहीन बच्चियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई। खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बच्चियों के साथ अंताक्षरी खेली। और इन बच्चों को उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई तंज कसे। कोई गंभीरता से नहीं लेता राहुल जी के बयान को। दुर्भाग्य है कि देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और उसके नेता कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। आपने भी गंभीरता से प्रश्न नहीं पूछा, मैंने भी गंभीरता से कोई जवाब नहीं देना है इसका, तो कुल मिलाकर एक हास्यास्पद नेता हो गए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय से राज्यसभा को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने हंसते हुए इसे टाल दिया और कहा कि जब उनको संसद जाना होगा तो चुनाव लड़कर जाएंगे, ना कि राज्यसभा सांसद बनकर। देखिए, जब लीडरलेस विपक्ष हो जाता है ना, तो फिर वो नेता ढूंढता है, तो उनको कहीं नेतृत्व तो कन्याकुमारी में दिखता है, कहीं पर प्रशांत किशोर में दिखता है, कहीं शरद पवार में दिखता है, तो अलग अलग जगह नेता दिखते हैं। इसलिए विपक्ष अभी बहुत ही खराब स्थिति में है, और कांग्रेस के नेतृत्व नहीं होने से विपक्ष में एक तरीके से अनिश्चितता की स्थिति। राज्यसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्या आप भी एक चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो जब भी मुझे जाना होगा पार्लियामेंट तो लड़के जाऊंगा चुनाव। अच्छा, मोदी जी की ब्रांड इमेज बन गई, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में एक अलग इमेज बन गई, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, यह 130 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने तो उन्हें देश का नेता बनाया था, पर वो अब दुनिया के नेता बन गए हैं। और अभी अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी ने देखा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में यदि कोई है तो वह मोदी जी हैं, और सोशल मीडिया भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर अगर दुनिया में किसी नेता के हैं तो मोदी जी के हैं। तो हम सबके लिए गर्व की बात है, सारे भारतीयों के लिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसी कड़ी में इंदौर में भी इसका आयोजन हुआ था। इस दिव्यांग बच्चों के इस कार्यक्रम में कनकेश्वरी देवी सहित शहर के कई बड़े लोग शामिल हुए। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।